नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लक्ष्य इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में। है तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन ये स्टॉक में बहुत बड़ा करेक्शन हुआ है। और जो करेक्शन हुआ है, तो अभी हमें क्या ये स्टॉक में अभी पोजीशन बनाना चाहिए, या तो फिर कंपनी में कोई मेजर इशू है जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए, इस वीडियो में कम्प्लीटली बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर पहली बार आपने इस चैनल पर विजिट किए हैं, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। फ्रेंड्स, अगर कंपनी के बारे में बात करेंगे, कंपनी अपना सेगमेंट में अगर हम बात करेंगे, एक बेहतरीन कंपनी है। जो कि देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी का 1995 में स्टार्ट हुआ था, जो कि लक्ष्य इंडस्ट्रीज है। इसका 14% यहाँ पे मार्केट से रखता है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज के साथ में। इसी के साथ में कंपनी का 100+ प्रोडक्ट भी है। उसी के साथ में जो यहाँ पे 16 ब्रांड यहाँ पे एड्रेस करता है कंपनी ग्रोइंग नीड्स टू कस्टमर। उसी के साथ में कंपनी का अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे 10% कंपनी का जो रेवेन्यू आता है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट से आता है। उसी के साथ में 19% का जो रेवेन्यू है, यहाँ पे डोमेस्टिक सेल से देखने को मिलता है। इनके बहुत सारा प्रोडक्ट है जो कि हमें यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री भी देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने मिडिल ईस्ट भी गया हूँ कई कंट्री, तो यहाँ पे भी मैंने जरूर देखा है, यहाँ पे लक्स का भी प्रोडक्ट यूज होता है। तो उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे कंपनी का, यहाँ पे जो कंपनी का अम्बेसिडर है, जो कि यहाँ पे इस चीज़ को अगर हम देखते हैं, जो यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी भी यहाँ पे अम्बेसिडर है, उसके साथ में वरुण धवन भी यहाँ पे ब्रांड अम्बेसिडर है। उसी के साथ में ये जो कंपनी है, तो यहाँ पे 950 कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्ट्रीब्यूटर रखा हुआ है। उसी के साथ में 5000 रिटेलर है यहाँ पे। इसी के साथ में यहाँ पे कंपनी का अगर हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे कंपनी का सेल्स पे पहले आ जाते हैं। और स्टॉक में गिरावट जो हुआ है, आगे कौन सा लेवल तक यहाँ पे जा सकता है, या तो फिर यह स्टॉक में और भी डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, देखिए कंपनी का अगर हम सेल्स के बारे में बात करेंगे, 564 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे सेल्स देखने को मिला है। उसी के साथ में अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, 51 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। उसी के साथ में अगर हम लास्ट 4 क्वार्टर को स्टडी करते हैं, यहाँ पे जो लास्ट 4 क्वार्टर में 330 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे सेल्स के बारे में, कंपनी का जो सेल्स देखने को मिला है, एक बेहतरीन सेल्स कंपनी ने पोस्ट किया है, जो कि 2400 करोड़ का कंपनी ने सेल्स पोस्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 5200 है, लेकिन कंपनी ने जो यहाँ पे लास्ट 4 क्वार्टर में 2400 करोड़ का कंपनी ने सेल्स पोस्ट किया, कि जो कि बहुत बढ़िया है। उसी के साथ में अगर इस चीज़ को अगर हम देखते हैं कंपनी का बैलेंस शीट पे जाके, कंपनी का यहाँ पे जो रिजर्व देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 1310 करोड़ का कंपनी के पास में रिजर्व है, जो कि यहाँ पे हर एक ईयर में कंपनी का रिजर्व बेहतरीन तरीके से ग्रो हो रहा है। यहाँ पे देखिए कंपनी का रिजर्व कितना था, ओनली 24 करोड़ था यहाँ पे 2011 में। अभी देखिए वो बढ़ के यहाँ पे कितना टाइम से हो चुका है, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से कंपनी का यहाँ पे रिजर्व ग्रोइंग हो रहा है। उसी के साथ में कंपनी का बोरोइंग कितना है, ओनली 316 करोड़ का कंपनी के पास में बोरोइंग है, जो कि इतना बड़ा रिस्क देखने को नहीं मिलता है। उसी के साथ में कंपनी का अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की पैटर्न देखेंगे, तो 74.33% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है, जो कि बहुत बढ़िया है। उसके साथ में एफआई के पास में 2% का होल्डिंग है। उसके साथ में डीआई के पास में 6.23% का होल्डिंग है। और रिटेल पब्लिक को अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे डीआईए को बहुत बढ़िया से यहाँ पे माल उठाते जा रहे हैं, जो कि हमारा म्यूचुअल फंड है, जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। तो यहाँ पे जबरदस्त तरीके से माल बाइंग करते जा रहे हैं, जो अभी 6.23% हो चुका है। उसके साथ में अगर हम रिटेल पब्लिक का होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं, तो यहाँ पे जो 17% का होल्डिंग देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, अभी एलआईसी के पास में तो 4.74% का होल्डिंग है, अगर ये 5% को हम निकाल देते हैं, जो कि बिलो 1% का होल्डिंग रखते हैं, तो उनके पास में अभी 12% का स्टेक देखने को मिलता है। ठीक है, उसी चीज को अगर कंपनी का अगर हम जाके यहाँ पे देखते हैं, कंपनी का यहाँ पे डाटा अगर देखते हैं, 34% कंपनी के पास में आरओसी देखने को मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी स्टॉक को आप पिक करते हैं ना, आपको हमेशा कंपनी का फंडामेंटल स्टडी करना बहुत जरूरी है। कंपनी एक 10-15 साल से अपना बिजनेस में सस्टेनेबल बिजनेस होना चाहिए, और ग्रोइंग बिजनेस भी होना चाहिए, और उसी के साथ में कंपनी अपना फील्ड में मार्केट लीडर भी होना चाहिए। उसके साथ में आपको देखना है वहाँ पे ग्रोइंग पॉसिबिलिटी क्या है। उसके साथ में अगर आप इस चीज़ को स्टडी करें कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, कंपनी अपना
यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ग्रो हो रहा है, उसके साथ में कंपनी का सेल्स भी ग्रोइंग हो रहा है कि नहीं, उसके साथ में ये सारे पैरामीटर देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 34% का यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, और कंपनी का यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 29% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, और यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए, ये देखना भी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। कंपनी का ऊपर कितना लोन है ये भी पैरामीटर बहुत बढ़िया है, देखना चाहिए हमेशा ही ये पैरामीटर को आपको स्टडी करना चाहिए। यहाँ पे देखिए कितना डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.24, मीन्स 24% का डेट टू इक्विटी रेशियो है, जो कि इतना बड़ा रिस्की नहीं है। हम मैक्सिमम 50% से बिलो कंपनी में हम एंट्री लेते हैं, आप सभी को पता है। यहाँ पे कंपनी का अगर बुक वैल्यू की बात किया जाए तो यहाँ पे कंपनी का जो बुक वैल्यू है 438 है, तो अभी स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है 1754 पे। यहाँ पे फेस वैल्यू देखिए 2 का फेस वैल्यू है, स्टॉक का ऑल टाइम हाई है 4644 है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स प्रमोटर प्लेज भी बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है, और एक स्मॉल कैप कंपनी है फ्रेंड्स, आप सबको पता है स्मॉल कैप कंपनी क्यों, कितना अच्छा कंपनी क्यों ना हो जाए, जब मार्केट में पिटाई होता है ना, जब मार्केट में हैवी करेक्शन होता है, हैवी फॉलोअप होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पिटाई होता है स्मॉल कैप का। तो यहाँ पे भी सेम सिनारियो हुआ, अभी चार्ट पे जाएंगे फिर देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसी के साथ में ये सारा पैरामीटर आपको देखना बहुत जरूरी है, अगर आपको फ्रीली ये सारी चीज़ सीखना है ना, तो यहाँ पे जरूर आप विजिट कीजिए, यहाँ पे प्लेलिस्ट में विजिट करके ये सारा चीज़ आप फ्रीली सीख सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए अलग अलग यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो बेसिक बिगनर स्टॉक मार्केट को ये वाला 24 वीडियो देखना है, और यहाँ पे उसके देखिए कौन सा स्टॉक में आपको एंट्री लेना है आपको फंडामेंटल एनालिसिस से पता चलेगा, और किस टाइम पे आपको एंट्री लेना है ये आपको टेक्निकल से पता चलेगा। ये सारे दोनों जो पैरामीटर है ना, दोनों पैरामीटर से देख के आप किसी भी स्टॉक में एंट्री लेते हैं ना, तो आपका कन्विंस वहाँ पे बहुत बढ़िया से बढ़ जाता है, ताकि आपको स्टॉक को होल्ड करने का आपको वहाँ पे बहुत बढ़िया सा एक स्ट्रांगनेस आता है, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ आप यहाँ पे अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, ये सारा वीडियो देख के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप फ्रीली मेरे साथ में ज्वाइन होना चाहते हैं, जो कि स्विंग ट्रेड में कैसे हम साल में 30% सीजर के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो ग्रोथ करते हैं, वो चीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो सकते हैं ये नंबर पर मैसेज करके फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को हम देखेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स, तो इस चीज़ में चार्ट पैटर्न में आ जाते हैं फ्रेंड्स। देखिए स्टॉक में जब तेजी आया था ना कोविड के बाद में, देखिए कोविड के बाद में यहाँ पे जब तेजी आया था स्टॉक में, यहाँ पे स्टॉक का प्राइस कितना था 863 के पास में स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा था, लेकिन वहाँ पे इतना बड़ा तेजी आया जो कि स्मॉल कैप में मिड कैप में सब में, तो यहाँ पे देखिए 400% का यहाँ पे रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे जब मार्केट करेक्शन हुआ, जबकि अक्टूबर में मार्केट से करेक्शन चल रहा है, तब से देखिए ये स्टॉक में कितना बड़ा फॉल हुआ। यही सारे स्टॉक आपको चूज करना है जो कि कंपनी ग्रेट होना चाहिए, और उसी हिसाब से कंपनी में कोई बिजनेस में कोई इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। यहाँ पे स्टॉक में ऑलरेडी 62% का करेक्शन हो चुका है फ्रेंड्स, जो कि हमारे लिए एक बेहतरीन मौका है, ठीक है। तो इसी हिसाब से मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि 100 डे का मूविंग एवरेज को भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक, और उसी के साथ में आरओसी देखिए यहाँ पे, सॉरी आरएसआई देखिए, आरएसआई स्टॉक में अभी 36 पे आरएसआई भी चल रहा है, ठीक है। उसी के साथ में फ्रेंड्स मुझे लगता है ये स्टॉक में जिस दिन यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लेगा ना, उस टाइम पे जरूर ये स्टॉक में रॉकेट बन जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले आपको जरूर ये स्टॉक को स्टडी करना है, अपना पोर्टफोलियो में आपका रिस्क के हिसाब से लेके चलना है। किसी भी स्टॉक में फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी स्टॉक में आपको 3% से ज़्यादा किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर बहुत अच्छा स्टॉक हो, अगर आपको बहुत अच्छा लगता है, तो मैक्सिमम 5% से किसी भी एक स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, नहीं तो फिर बहुत बड़ा परेशानी होगा फ्रेंड्स। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा हूँ जो कि पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है, जो कि अपर सर्किट डेली लगते जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं, और यहाँ पे स्टॉक में निकलने का मौका भी उनको नहीं मिल रहा है। अभी मार्केट में वो स्टॉक में अभी करेक्शन, इतना स्टॉक का नाम नहीं बताऊंगा फ्रेंड्स, तो वो स्टॉक में अभी डेली लोअर सर्किट लग रहा है, वो निकल नहीं पा रहे हैं, और उनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उसी स्टॉक में जो कि 75% का हिस्सेदारी है। अभी आके पूछते हैं कि क्या करना है भाई मुझे बताओ फ्रेंड्स। देखिए इतना बड़ा अगर नुकसान हो जाता है ना, तो फिर आपको ये सारा चीज़ का आपको सीखना है, सीखने के लिए थोड़ा सा मार्केट में टाइम देना है, और हर एक चीज़ को सीखना है, और बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा कोई 100 करोड़ वाली कंपनी, 50 करोड़ वाला कंपनी, 5 करोड़ वाला कंपनी में इन्वेस्ट मत कीजिए। मैं फिर से बोलता हूँ, मिनिमम 1000 करोड़ की एवो वाला कंपनी में इन्वेस्ट करना है। अगर आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है ना, निफ्टी फिफ्टी कंपनी के अंदर जाइए, ठीक है, वहाँ पर इतना बड़ा रिस्क नहीं होता है। मेरे हिसाब से आपको अगर यहाँ पर पोजिशन बनाना है, तो आपको यहाँ पे जो टारगेट लेके चलना है ना, पहले इसी टारगेट तक लेके चलिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे ये टारगेट पे आप प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हैं, ठीक है, जो कि 3156 टारगेट तक, अगर आप यहाँ तक भी पोजीशन बना के चलते हैं, देखिए 80% का आपका गेन बन रहा है, 82% का गेन बन रहा है 3156
फिर से मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, 3156 तक आप पोजीशन बना के चलिए, जो कि 80% का गेन है फ्रेंड्स। ये जो गेन है ना, आपको अगर इस गेन के लिए अगर आपको 1 साल 1.5 साल भी लग जाए ना, मेरे हिसाब से कोई बुरा नहीं है, क्योंकि 82% का गेन है। हमेशा मैं 30% प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ, मैं हमेशा स्विंग ट्रेड में 30% की बात करता हूँ। अगर हम 30% सीजीआर के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो ग्रो करते हैं ना, देखिए क्या जबरदस्त तरीके से अपना पोर्टफोलियो ग्रो होता है। मैं आपको ग्रो की कैलेंडर पे ग्रो की कैलकुलेटर पे लेके आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए देखिए हम आ चुके हैं ग्रो की कैलकुलेटर पे, ठीक है। यहाँ पे लमसम में जाते हैं, लमसम में हम सपोज यहाँ पे 1 लाख कैपिटल के साथ में स्विंग ट्रेड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 लाख कैपिटल के साथ में स्विंग ट्रेड स्टार्ट करते हैं और हमारा प्रोबेबिलिटी रखते हैं यहाँ पे 30%, और उसी के हिसाब से 10 ईयर्स में हमारा कितना कैपिटल बनता है, देखिए 13,78,000। इसी के साथ में अगर 20 ईयर्स हम कंसिस्टेंसी के साथ में करते हैं तो यहाँ पे 1,90,00,000 रुपये बन सकता है। तो उसी हिसाब से हमें सही टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है, उसी टाइम पे सही टाइम पे हमें सपोर्ट के हिसाब से बाइंग करना जरूरी है, और स्टॉक में स्टॉप लॉस हम मेंटेन नहीं करेंगे, ग्रेट स्टॉक को ही चूज करेंगे, ठीक है। इसी हिसाब से अगर आप सोचते हैं कि नहीं 30% सीजीआर नहीं बनता है, अगर आपका मन में ऐसा सवाल है तो यहाँ पे 25 के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कितना बड़ा कैपिटल बन रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप बिल्कुल एक बार जरूर कैलकुलेशन करना चाहिए। मुझे लगता है स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा पैसे बनेगा, अगर पेशेंस के साथ में स्टॉक चूज करके सही टाइम पे आप एंट्री लेंगे ना, तो आपको बहुत ज़बरदस्त पैसा बनता है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे अगर इस चीज़ को अगर स्टडी करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट के बारे में बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे जो बन के आ रहा है, तो आप बिल्कुल स्टॉक का ऑल टाइम हाई तक लेके चल सकते हैं, लाइफ टाइम हाई तक आप बिल्कुल यहाँ पे पोजिशन बना के चल सकते हैं। अगर हम लाइफ टाइम हाई तक अगर आप इसमें पोजिशन बना के चलते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना परसेंटेज का आपको गेन मिल सकता है। तो उसी हिसाब से आपको 170% का गेन मिल सकता है। देखिए यहाँ पे जो टारगेट आप लाइफ टाइम हाई के हिसाब से ले रहे हैं 4,625, ठीक है। अगर ये टारगेट के लिए अगर आपको 3 साल भी लग जाए ना, मेरे हिसाब से कोई बुरा नहीं है। 3-4 साल में अगर आपका पैसा बन रहा है ना, 170% का गेन बन सकता है फ्रेंड्स। ये कोई ये वाली बात नहीं है कि नहीं बन सकता है, आपने जरूर देखा होगा जो अच्छा अच्छा कंपनी है ना, जब कंसोलिडेशन जाता है तो उसके बाद में फिर से रिकवरी जरूर देखने को मिलता है। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा यहाँ पे आइसर मोटर में देखा होगा, आपने यहाँ पे मारुति में भी देखा होगा, बहुत बढ़िया कंपनी है, लेकिन मार्केट में टॉप में जिन्होंने बाई किया था उनको परेशानी हुआ, लेकिन अभी स्टॉक ने लाइफ टाइम हाई अचीव किया ना, तो सेम टू सेम ऐसे ही आपको चलना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक ने यहाँ पे भी एक बार देखिए कितना बड़ा कंसोलिडेशन में गया था, यहाँ पे 58% तक का गिर चुका था, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से आपको स्टॉक को चूज करना है और अपना पोर्टफोलियो में लेके चलना है, जब तक टारगेट अचीव नहीं हुआ है तब तक उसमें बने रहना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसी के साथ में अगर हम टिकट टिप में इस चीज़ को स्टडी करते हैं तो यहाँ पे कंपनी का डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, जो कि हमने प्रो वर्जन में एक्टिवेट करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी चेक भी बहुत बढ़िया क्वालिटी, उसके साथ में ग्रोथ स्टोरी स्टॉक है, उसके साथ में देखिए यहाँ पे हमारा जो दिग्गज यहाँ पे एनालिस्ट, यहाँ पे एक एनालिस्ट का बाइंग का कॉल दे रहे हैं, तो उनका जो टारगेट है 2,521 टारगेट तक लेके चल रहे हैं, जो कि 57% का यहाँ पे गेन देखने को मिलता है, ठीक है। मुझे लगता है आपको बिल्कुल यहाँ पे स्टडी करना चाहिए। फोरकास्टिंग के हिसाब से 24% किसी हिसाब से यहाँ पे रेवेन्यू में ग्रोथ आ सकता है देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो कि एनालिस्ट का व्यू है, आपको जरूर एक बार स्टडी करना है, अगर आपको सही लगता है तो ही आप पोजिशन बनाइए। तो मेरा कहने पे आपको जस्ट यहाँ पे है स्टडी करना है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बिल्ड करता है फ्रेंड्स, लाइक में पैसे नहीं लगता है फ्रेंड। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ में भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये स्टॉक के बारे में पता चल सकता है, और सही टाइम पर एंट्री करके अगर उनके पोर्टफोलियो में रहेगा, अगर लॉस में होंगे तो इस स्टॉक को लॉस बुक करने का कोई जरूरत नहीं, कंपनी ग्रेट कंपनी है, तो जरूर ये यहाँ पे लाइफ टाइम हाई भी एक बार जरूर अचीव करेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद जय भारत।